अगर आप टीटी बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि टीटी बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या पूरा प्रोसेस है टीटी बनने का, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक टीटी बन सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, आपको कितने क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद जब आप टीटी बन जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, उसके अलावा और आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी। तो कहने का मतलब है कि टीटी से रिलेटेड आपको ए टू जेड चीज़ें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो अगर आपको टीटी के बारे में जानना है, सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। टीटी और टीसी दो ऐसे वर्ड हैं जिसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं कि क्या टीटी और टीसी एक ही होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो टीटीई होते हैं यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर, तो ये उनको बोलते हैं जो कि चलती ट्रेन में आपकी टिकट देखते हैं कि आपने टिकट लिया है या फिर नहीं लिया है। चलती ट्रेन में आपका टिकट चेक करते उसे टीटीई बोलते हैं, और टीसी उन्हें बोलते हैं जब आप ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे जो आपका टिकट चेक करते हैं उन्हें बोलते हैं टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर। तो दोस्तों एक छोटी सी पॉइंट था लेकिन बहुत सारे लोगों को अब क्लियर हो गया कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस, टीटी बनने का क्या प्रोसेस। टीटी और टीसी दोनों करीब करीब एक ही होते हैं और दोनों का प्रोसेस भी सेम होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि टीटी बनने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको कब तक पढ़ाई करनी पड़ेगी यानी कि किस क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, अगर आपको टीटी बनना है तो आपको कम से कम क्लास 12 पास करना होगा। अब बारी आती है कि क्लास 12 में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, क्या आर्ट्स स्ट्रीम होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम होना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी होगी अगर आपको टीटी बनना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपको टीटी बनना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके टीटी बन सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली थी 10th के बाद या फिर कॉमर्स लिया था, साइंस लिया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके एलिजिबल हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50% होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इसमें 45% होते हैं और जनरल ओबीसी के लिए 50% होना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि टीटी बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, अगर आपको टीटी बनना है तो इसके लिए हर साल वैकेंसी आती है, आरआरबी की तरफ से हर साल वैकेंसी आती है। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसकी तरफ से और भी बहुत तरीके की वैकेंसी आती है रेलवे में जॉब के लिए, क्योंकि आपको तो पता है कि रेलवे में ही सबसे ज़्यादा जॉब मिलती है। तो और भी जॉब जैसे कि स्टेशन मास्टर का हो गया या फिर क्लर्क का हो गया, तो बहुत सारी जॉब की वैकेंसी आरआरबी की तरफ से निकलती रहती है और उसी में आता है टीटी की वैकेंसी। जब भी टीटी की वैकेंसी, आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टीटी बनने का प्रोसेस है, इसमें आपको बेसिकली 3-4 स्टेप है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसमें आपको रिटन एग्जाम होता है। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी क्लियर करने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा यानी कि आपके 10th और 12th के मार्कशीट चेक किए जाएंगे, क्योंकि जो भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपनी डिटेल दी थी क्या वो सही है या फिर गलत है, ये सारा कुछ मैच किया जाएगा। अगर ये सब कुछ सही रहा तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाएगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपकी ब्लड वगैरह चेक की जाएगी कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, शुगर लेवल वगैरह चेक किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ चेक की जाती है। अगर ये सब कुछ सही हो गया तो उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, जो टीटी का एग्जाम होता है इसमें बेसिकली 4 कैटेगरी के यानी कि 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जो पहला होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मान लो कि आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है रीजनिंग होती है। रीजनिंग में आप जानते हो, रीजनिंग आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें आपको एक पैटर्न दिया जाता है, उसको आपको समझ के उसका सही आंसर देना होता है। ये डायग्राम भी हो सकता है या फिर इसमें आपके क्वेश्चन टाइप भी हो सकते हैं। जो थर्ड टाइप होता है वो अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब सिंपली आप समझ सकते हो कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक में। और जो चौथा होता है वो जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस भी आप एक तरह से कह सकते हो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड होता है, यानी कि करेंट जो चीज़ें हुई रहती है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये बेसिकली 4 पैटर्न होते हैं, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। इन्हीं 4ों से मिला के आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं यानी कि एमसीक्यू टाइप होते हैं, जिसमें आपको जो सही आंसर होता है उसको आपको चुनना होता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एज के बारे में कि एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो इसकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो दोस्तों इसकी एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपको 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते तो जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें अब जब तक आपकी एज है तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है सैलरी की, कि सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों सैलरी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो अगर हम लोग बात करें सैलरी की, कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो देखो अगर आपकी जो जॉब लगेगी तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 25,000 से 30,000 रुपये के करीब हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस एरिया में। अगर गांव साइड में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होगी, और अगर आपकी सैलरी शहर में है, मेट्रो सिटी में है, तो आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। सैलरी के अलावा आपको और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है रेलवे की तरफ से, जैसे कि आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा आप कहीं घूमने जाते हो तो आप कहीं होटल में ठहर सकते हो। उसके साथ साथ आप ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो रेलवे के थ्रू, आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा और भी आपको रहने के लिए रूम दिया जाता है। इस तरीके की और भी तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है जो कि आपको रेलवे प्रोवाइड कराता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। तो देखो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप उसे पहली बार में ही उसे बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, पहली बार में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा बहुत सारे लोग किए हुए हैं और आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी के लिए अपना 3 साल 4 साल 5 साल लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आपका पहली बार में सिलेक्शन पक्का है। अब देखो, आप तैयारी कैसे कर सकते हो। तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा तो जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पेपर होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आप ये कैसे जानोगे, इसके लिए आपको उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर अरेंज करना होगा। आप कहीं से भी देख सकते हो, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, आप बाहर से खरीद सकते हो, बहुत तरह की बुक्स आती है। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे आपको तो एक आइडिया तो आपको लग ही जाएगा कि अच्छा इसमें इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ आप कर लिए, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम आपका ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर 2 साल 5 साल 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लाइए और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इस तरीके की जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सॉल्व तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि लिमिटेड टाइम में किसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और किसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही थे। जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे उसी का सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और आप अपने इसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आप इसकी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हो, आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं आपको 5-10 हज़ार रुपये खर्च करने की, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। आप चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बस आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन कर रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। आप अगर चाह लोगे तो आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा और टीटी कैसे बनी है तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो मैंने स्टेशन मास्टर के ऊपर एक वीडियो बनाई, तो आप वो भी वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।